आज हमारे किचन में बनेगा चने की दाल का उसीना। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बेहतर पोषण। हमारे आसपास ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिनसे हम पोषण समृद्ध व्यंजन तैयार कर सकते हैं। यह चीजें हमारे आसपास आसानी से मिल जाती हैं। पोषण माह में आइए मिलते हैं ऐसी ही कुछ व्यंजनों से। चने की दाल को 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगोते हैं। अब हम दाल को जालीदार बर्तन में छानते हैं। दाल को सिलवट के सहारे से पीस लेते हैं। खड़ा मसाला डालते हैं, ये धनिया, ये जीरा है, तेजी पत्ता, तो अभी ये मसाला हमारा पीस के तैयार हो चुका है। अब इसको हम इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे। तो हम इसमें 10 ग्राम हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक मिक्स करेंगे। थाली में तेल का लेप लगाते हैं ताकि पीस आसानी से निकल सके। इसमें हम रख कर बराबर कर लेते हैं। पानी हमारा अच्छी तरह से उबलने लगा है। लोग तो इसमें जाली भी एक डालते हैं जो कि हमारे पास अभी वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसमें गैस की बैंड डालेंगे ताकि हमारा ये थाली इसमें डूबे ना। अब हम कढ़ाई के साइज का एक ढक्कन लेंगे जो कि हमारी रेसिपी भाप के सहारे अच्छे से पक सके। चने की दाल से हम कई सारी रेसिपी बना सकते हैं। अब जैसे ये हमारी पिसी हुई दाल की हम गरम गरम पकौड़े बनाएंगे। रीनू आ जाओ जल्दी से, बन के तैयार हो गया है। आई बहुत अच्छा है यार, सच में बहुत अच्छा है ना। ये पक के तैयार हो गया है, अब इसे छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। अब इसे हम देसी घी में तल लेते हैं थोड़ा ताकि इसका स्वाद और अच्छा हो जाए। अब हमारी रेसिपी बनकर तैयार है, अब इसे गरम गरम हम सर्व करेंगे। कैसे।